आज के टाइम पे हम सभी चाहते हैं कि हम लोग हेल्दी रहें, फिट रहें, और हेल्दी और फिट रहने के लिए हेल्दी ब्रेकफास्ट खाना भी उतना ही ज़रूरी होता है। तो आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी स्वाद और सेहत से भरपूर एक ऐसा नाश्ता जिसको बनाने के लिए ना तो हमें आटा गूंदना पड़ेगा, ना ही सब्ज़ी बनानी पड़ेगी। झटपट बनने वाली नाश्ते की रेसिपी जिसे ट्राई करना तो बनता है। चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी को। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियंका, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। सुबह का हेल्दी नाश्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप गेहूँ का आटा, नॉर्मल आटा जिसे हम रोटी पराठा बनाते हैं। मैंने यहाँ पे आटा लिया, आप चाहें इसके यहाँ पे मल्टीग्रेन जो आटा आता है ना वो भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास हो। साथ में डाल देंगे थोड़े से मसाले फ्लेवर के लिए। तो मैंने यहाँ पे लिया है 1 चम्मच नमक, साथ में जाएगी इसमें 1 चम्मच अजवाइन। अजवाइन हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है और गर्मियों में आप इसको भरपूर मात्रा में लीजिए। तो मैंने यहाँ पर हाथों से क्रश कर दिया फ्लेवर के लिए। यहाँ मैंने लिया है 2 चुटकी हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर में होता है बहुत सारा एंटीबायोटिक जो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, तो इसकी बिल्कुल मत करिएगा। साथ में नाश्ते को चटपटा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2 हरी मिर्च, जो रखे रखे लाल हो गई थी, आप हरी मिर्च ले सकते हैं। और यहाँ मैंने लिया है 1 टुकड़ा अदरक का, जिसको हम ग्रेट कर लेंगे। अदरक में भरपूर मात्रा में जिंक होता है और जिंक इस टाइम पर हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, और आप भरपूर मात्रा में अदरक का सेवन करें। तो यहाँ मैंने अदरक को ग्रेट कर दिया है, ये देखिए। और यहाँ मैंने ली है थोड़ी सी हींग, इसको डाल देंगे फ्लेवर के लिए। सबको मिला देंगे। मैंने बहुत ही कम, बहुत ही बेसिक मसाले लिए हैं जो कि ब्रेकफास्ट के लिए बिल्कुल ठीक रहते हैं। और अपने नाश्ते को हेल्दी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप भर के पालक। तो मैंने यहाँ पे 250 ग्राम पालक को धो लिया, काट के साफ़ कर लिया है। हम सबको पता है पालक हमारी हेल्थ के लिए कितना अच्छा होता है, क्योंकि पालक में भरपूर मात्रा में होता है आयरन, कैल्शियम, विटामिन, जिंक, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो पालक में होती है, हमें खानी चाहिए। हरे पत्तों की सब्जियों की बात ही कुछ और होती है, हमें बहुत सारा फ्लेवर तो होता ही है और हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। पालक वेट लॉस के लिए बेस्ट ऑप्शन है, ज़रूर खाइएगा। तो मैंने यहाँ इसको मिलाने के लिए लिया है 1 कप पानी। अभी डाल के मिला लेंगे, जरूरत पड़ेगी और ऐड कर देंगे, क्योंकि इसका हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा और बहुत ज़्यादा पतला बैटर नहीं चाहिए। तो पहले मिला लेते हैं। बहुत ही आसान ब्रेकफास्ट की रेसिपी है। आप चाहें तो पालक को रात में काट के साफ़ करके रख लीजिए, बस सुबह सुबह बैटर बनाइए, सबको खिलाइए। तो मैंने यहाँ पे 1 कप पानी और डाल दिया है, अच्छे से मिला देंगे। और यहाँ देखिए, जो बैटर अच्छे से बन गया है, बिल्कुल परफेक्ट। और इसको मिलाने के लिए मैंने टोटल 2.5 कप पानी यूज़ कर लिया था। और यहाँ पे देखिए, जो बैटर है बिल्कुल परफेक्ट है, ना पतला है ना गाढ़ा है, जब पैन में डालेंगे आराम से फैल जाएगा। तो यहाँ पे जो बैटर है बन गया है, मिनटों में बनता ही है। चलते हैं गैस के तरफ इसको बनाने के लिए। और यहाँ इसको बनाने के लिए मैंने गैस पे रखा है नॉनस्टिक पैन। आप तवा ले सकते हैं, लेकिन पैन में शेप अच्छा आता है। तो मैंने गैस को मीडियम कर दिया, इसमें हल्का तेल लगा देंगे। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप नॉनस्टिक पैन यूज़ करें, क्योंकि इसमें तेल भी बहुत कम लगता है, चिपकने के चांस बहुत ही कम रहते हैं, क्योंकि नॉर्मली लोहे तवे में बहुत चिपकता है, तेल बहुत ज़्यादा लगता है, तो वो कहीं ना कहीं अनहेल्दी हो जाता है। तो यहाँ पैन हल्का गर्म हो गया है, इसमें डाल देंगे हम बैटर। तो जब आपका पैन हल्का गर्म रहे तभी डाल दिएगा बैटर। और यहाँ जो मेरा पैन है थोड़ा बड़ा है, तो मैंने यहाँ पे 1.5 कलछी डाल दिया है। और ये देखिए, बैटर बिल्कुल परफेक्ट है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आराम से ये फैल जाएगा पैन में, शेप ले लेगा। और इस नाश्ते को पकने में 4 से 5 मिनट का समय लग जाता है, क्योंकि जो हमने गेहूँ का आटा लिया है वो भी कच्चा है, पालक भी कच्ची है। 4 से 5 मिनट आराम से लग जाएगा। जब ऊपर से आराम से पक जाएगा, ड्राई हो जाएगा, उसके बाद इसको हम टर्न कर लेंगे, तो आराम से 4 से 5 मिनट लग जाता है दोनों तरफ सेकने में। और यहाँ पे इस नाश्ते को पकते हुए 2 से 2.5 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं जो आटा है ऊपर का बिल्कुल पक गया है। अब चेक कर लेते हैं, ये इंडिकेशन है कि हमारा जो नाश्ता है पक गया है। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस छोड़ देना है ऐसे मीडियम फ्लेम पर। और ये देखिए, कलछी से मैंने हल्का हल्का निकाल दिया है, आराम से पैन छोड़ दिया है। अब इसको हम पलटेंगे, लेकिन पलटने से पहले हल्का तेल लगा देंगे ताकि नीचे से भी क्रिस्पी हो जाए। और हल्के हल्के हाथों से उठाएंगे और ये हम इसे पलट देंगे। और ये देखिए कितना अच्छा गोल्डन कलर आ गया है, कितना कम तेल यूज़ किया था लेकिन कितना अच्छा सिक भी गया है। अब जैसे हमने पहले पकाया था 2 से 2.5 मिनट के लिए, उतना टाइम देना पड़ेगा नीचे से भी। और यहाँ नाश्ते को पकते हुए 2.5 मिनट और हो गए हैं, दोनों साइड सेकने में 4 से 5 मिनट समय आराम से लग जाता है। तो चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा सुपर टेस्टी, सुपर हेल्दी आटे और पालक का नाश्ता बन के तैयार हो गया है। ये देखिए, इसको प्लेट पे निकाल लेते हैं। ना सब्ज़ी बनाने की झंझट, ना आटा गूंदने की मेहनत, बहुत ही आसान नाश्ता है, बनाने में टेस्टी, खाने में तो हेल्दी है ही। अब सेम इसी प्रोसेस में हम सारे बना के तैयार कर लेते हैं। बहुत ही हेल्दी टेस्टी नाश्ते की रेसिपी है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ में जो बेल आइकन इसको प्रेस कर दीजिएगा, इससे जब भी मैं ऐसी रेसिपी पोस्ट करूँगी आपको नोटिफिकेशन फटाफट मिल जाएगी। तो ये देखिए, मैंने इसको सेक लिया है एक तरफ से,
तेल लगा के फिर से सेक लेंगे। देखो परफेक्ट, ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। इस नाश्ते को आप आटे का चिल्ला बोल सकते हैं, पालक का थेपला बोल सकते हैं, या सॉल्टी टेस्टी पैनकेक बोल सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। तो यहाँ देखिए ये भी सीख गया है, कितना अच्छा कलर आ गया है, अच्छे से पक गया है। सेम इसी प्रोसेस में हम सारे ब्लॉक तैयार कर लेंगे। और ये लीजिए हमारा गर्मा गर्म बहुत बहुत टेस्टी हेल्दी स्वाद सेहत से भरपूर आटे और पालक का नाश्ता बनके तैयार हो गया है। बनाने में जितना आसान, खाने में उतना ही स्वादिष्ट है। ना आटा गूंदने की झंझट, ना सब्जी बनाने की टेंशन, सिंपल सी चाय लीजिए, केचप चटनी के साथ में खाइए, बहुत बहुत टेस्टी लगता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की हेल्दी ब्रेकफास्ट की रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, तो प्लीज़ फॉलो करिएगा। अभी के लिए धन्यवाद। थैंक्स टू वॉच प्रियंका किचन जोन।